हेलो एवरीवन, आप सब का फिर से एक बार स्वागत है मेरी इस चैनल पे जिसका नाम है एनी क्रिएशन। और इस चैनल पे आपको ढेर सारी टेक से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहती हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं सरकार के द्वारा निकाली गई एक ऐसी चर्चा पे जिस पे आप अपनी राय दे सकते हैं। यहाँ पे बच्चों को और उनके साथ साथ उनके माता पिता और यहाँ तक कि टीचर्स को भी पार्टिसिपेट करना है और उन्हें अपनी राय देनी है। यहाँ पे राय देने के लिए अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए अलग है, माता पिता के लिए अलग है और टीचर्स के लिए अलग है। आज हम लोग बात करेंगे इसी पे कि यहाँ पे आप कैसे लॉगिन करेंगे और कैसे अपने आप को इस कॉम्पिटिशन में भाग लेने के काबिल बनाएंगे। और हाँ, यहाँ पे पार्टिसिपेट करने पर आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए, यहाँ पे आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप पता चलेगी जिससे आप इजीली इस परीक्षा पे चर्चा में भाग ले पाएंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्टली सरकार से बातें कर पाएंगे, उन्हें अपनी राय दे पाएंगे कि आप परीक्षा के बारे में क्या सोचते हैं और उसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो है ना ये इंटरेस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को इस छोटे से इंट्रो के साथ। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि आप इस वेबसाइट पे कैसे आएंगे। तो आपके फ़ोन में जो भी ब्राउज़र आप इस्तेमाल करते हैं वो ब्राउज़र आपको ओपन करना है। मैं यहाँ पे इस्तेमाल करती हूँ क्रोम ब्राउज़र, तो मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करके बता देती हूँ कि आपको कैसे यहाँ पे करना है। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद में सर्च जो आइकन है वहाँ पे आपको लिखना है परीक्षा पे चर्चा 2021, आप देख सकते हैं यही आपको लिखना है। सिंपली आप ये लिख करके सर्च कीजिए, आपका जो है ऑप्शन यहाँ पे इस तरह से आएगा। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो फर्स्ट में जो आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे परीक्षा पे चर्चा कॉन्टेस्ट 2021 innovateindia.mygov.in, इसी पे आपको क्लिक कर देना है फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, मतलब आप इस वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है, जिसमें आपको जितनी परीक्षाएं अभी ऑनलाइन होने वाली हैं या फिर शुरू हो चुकी हैं उस पर आपको चर्चा देनी है। तो इस पे पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि लॉगिन आप कैसे करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो अब पेज को जब आप स्क्रॉल करेंगे तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ये मोबाइल पे भी बिल्कुल सेम ही दिखाई देगा अगर आप उसे डेस्कटॉप मोड में देखते हैं तो, और लैपटॉप में तो खैर आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेट नाउ है यहाँ पे आप क्लिक करके भाग ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और लॉगिन की प्रक्रिया बताने से पहले मैं कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं वो बता देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं थीम्स का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे है विषय, मतलब कि क्या क्या विषय है। तो विषय में आप देख सकते हैं छात्रों के लिए अलग है, माता पिता के लिए अलग है, शिक्षकों के लिए अलग है। विषय को चूज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और सारे विषय यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या दिया गया है, अपने पसंदीदा विषय के आसपास एक त्योहार का दृश्य ड्रॉ करें। और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि आपकी पेंटिंग को जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करें, अधिकतम फाइल साइज 4 MB की होनी चाहिए। इस तरह से नीचे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए हैं। आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से जाकर के उसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं एक एक को बताती चली तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट आपको माता पिता के लिए मिलती है, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पेरेंट्स के लिए क्या यहाँ पे टॉपिक है वो आप देख सकते हैं। आपकी सराहना से आपके बच्चे का जीवन संवरता है, हमेशा की तरह उन्हें प्रोत्साहित करें, यानी कि अपने बच्चे के भविष्य के प्रति आपकी सोच व दृष्टिकोण के बारे में लिखें। पहली पंक्ति अपने बच्चे को लिखने दे, फिर आगे आप लिखें। यहाँ पे आपको अपने बच्चे के बारे में लिखना है एंड अपने बच्चे को एक पोस्ट कार्ड लिखे और उन्हें बताएं कि वे आपके लिए स्पेशल क्यों है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हो जाता है माता पिता के लिए, तो बिल्कुल उन्हें भाग लेना चाहिए इस पे। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ पे टीचर्स के लिए, तो टीचर्स के लिए एक ही यहाँ पे है कि इस ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली को वो किस तरह से लेते हैं, इनके लाभ क्या है और इससे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इस पे यहाँ पे टीचर्स को अपनी राय देनी है। तो ये तो रह गई थीम्स की बात, विषय की बात कि कौन कौन से टॉपिक मिलते हैं बच्चों को, पेरेंट्स को और टीचर्स को। नीचे यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, ये छात्रों के लिए हैं, मीन्स स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे क्लिक करके जो भी गाइडलाइंस है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और उसे फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे माता पिता और शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश मिलते हैं, तो अगर आप पेरेंट्स हैं या फिर आप एक टीचर्स हैं तो इसे भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आपको
इस पे अपनी राय देने में बहुत ही ज्यादा सुविधा होगी। और यहाँ पे है महत्वपूर्ण डेट्स कि ये कब से कब तक खुली हुई है। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 18 फरवरी से हो चुकी है और अंतिम तिथि है 14 मार्च। तो इनके बीच में आप इस पे अपनी राय दे सकते हैं और सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट पा सकते हैं। तो ये तो रही इसकी डिटेल्स कि आखिर टॉपिक क्या है और कब तक आप इसे भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम यहाँ पे लॉगिन कैसे करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। अगर आप पार्टिसिपेट नाउ पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको लॉगिन करना तो पड़ेगा ही। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। सिंपली लॉगिन पे क्लिक कीजिए तो ये आपको इस तरह का ऑप्शन देगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको लॉगिन करने के लिए मिलेंगे, लेकिन ये सारे कब काम करेंगे, जब आपने यहाँ पे रजिस्टर किया हुआ हो। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिए। रजिस्टर नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये पेज ओपन होकर के आएगा, जहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेंगी, आपका पूरा नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा हैव अ रेफरल कोड का। तो अगर आपके पास किसी का रेफरल कोड है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, और अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे टिक मत कीजिए, ऐसे भी काम आपका हो जाएगा। एंड देन सारी चीजें भरने के बाद में क्रिएट न्यू अकाउंट पे आपको क्लिक कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आप वापस इस पेज पे आ जाएंगे और अब आपको करना है यहाँ पे लॉगिन। तो लॉगिन करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप अपने ईमेल आईडी या पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज कर लें, जो कि यहाँ पे है मोबाइल नंबर का। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और फिर लॉगिन विद ओटीपी करना पड़ेगा। आपके मोबाइल नंबर में एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको फिल करना है एंड देन आपको प्रोसीड करना है। उसके बाद कौन सा पेज आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन आ रहा था, बट अभी यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुकी हूँ। इसके बाद में आपको हल्का सा नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा परीक्षा पे चर्चा का, एंड नीचे ही मिलेगा पार्टिसिपेट का ऑप्शन। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरह का पेज ओपन होगा, और यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पार्टिसिपेट नाउ, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे ये है स्टूडेंट्स के लिए, ये है आपके पार्टिसिपेंट्स थ्रू टीचर लॉगिन के लिए, एंड ये है टीचर्स के लिए, और ये है पेरेंट्स के लिए। तो आप जो भी हैं यहाँ पे जाकर के इसे चेक कर सकते हैं। सपोज आप एक स्टूडेंट्स हैं तो आप पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। सारे लोगों के लिए लगभग सेम टाइप का ही पेज ओपन होता है, बस यहाँ पे आपका चेंज होगा। जैसे पार्टिसिपेट एज ए स्टूडेंट, आप स्टूडेंट के तौर पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह का यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। टीचर्स के लिए यहाँ पे टीचर्स होगा और पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स होगा, बाकी सारा कुछ सेम ही होगा। तो इस तरह का नाम और मोबाइल नंबर आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है यहाँ पे, एंड देन उसके बाद में आपको कक्षा डाल लेनी है, पेरेंट्स का नाम डाल लेना है, स्कूल का नाम डाल लेना है, बोर्ड वगैरह सेलेक्ट कर लेना है। छोटे एरो पे क्लिक करके आप सारे बोर्ड्स देख सकते हैं, कंट्रीज आप चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अपना स्टेट चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है, एंड स्टेट चूज करने के बाद में जैसे मैंने झारखंड चूज कर लिया, तो यहाँ पे आपको अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी ऑप्शन में आ जाएगी। सारी चीजों को फिलअप करने के बाद में पिन कोड डालना बिल्कुल भी भूलिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी पड़ेंगी। कहीं भी कुछ भी दिक्कत होता है जस्ट स्मॉल एरो पे आप क्लिक कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, उसमें से एक आप चुन सकते हैं। ये सबके लिए सेम है। सिंपली ये सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद में यहाँ पे आपको थीम चुनना पड़ेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो स्मॉल एरो पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप एक थीम चुन लीजिए। यहाँ से करने के बाद में आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि आपको प्रधानमंत्री से कुछ सवाल पूछना है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए। तो प्रधानमंत्री से जो भी सवाल पूछना है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। 500 कैरेक्टर्स होने चाहिए। करने के बाद में आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इसी तरह से फिर चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर टीचर हो या फिर पेरेंट्स हो, इसी तरह से आप सारी चीज़ें फिलअप कर सकते हैं और बड़े आराम से इसे सबमिट कर सकते हैं। इसी तरह से हर एक चीज़ का ओपन होगा, जैसे पेरेंट्स के लिए तो पेरेंट्स के लिए ओपन हो जाएगा। सारी चीज़ें सेम होंगी सब में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, हर एक चीज़ फिलअप कर लीजिए। यहाँ पे बच्चों के साथ संबंध वगैरह का टॉपिक आ रहा है, क्योंकि ये टॉपिक पेरेंट्स के लिए है। टीचर्स का जो टॉपिक होगा वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी। पिन कोड तक आपका सारा सेम रहेगा, उसके बाद नीचे में डायरेक्टली आपको आपकी जो एक्टिविटी है वो करनी पड़ेगी।
जैसे कि टीचर्स के लिए है कि आप जो ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था है उस पे आप उसकी हानि या फिर लाभ के बारे में बताइए, तो डायरेक्ट वो ही रहेगा। ये जो यहाँ पे इतना सारा चीज है, बच्चे का नाम, जेंडर, स्कूल का नाम, ये सारी चीजें जो है उतनी ज्यादा नहीं होंगी। टीचर्स के कॉलम में बस पिन कोड तक की डिटेल्स फिलअप करनी है, उसके बाद में उनका जो टॉपिक है उस पे आपको लिख लेना है। आई थिंक 1500 कैरेक्टर्स आर अलाउड फॉर द टीचर्स, तो उतने में उनको अपनी राय दे देनी है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट होने के बाद में ये किस तरह से दिखाई देता है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मान लीजिए आप एक टीचर है, स्टूडेंट है या फिर किसी के पेरेंट है, आपने यहाँ पे अपनी राय सबमिट कर दी है, उसके बाद में जो पेज है वो कैसा दिखाई देता है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसा कि मैंने एज अ टीचर यहाँ पे अपनी जो राय है यहाँ पे सबमिट कर दी है, तो मैं अगर पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन आता है कि यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर PPC 2021, सर्टिफिकेट डाउनलोड ऑप्शन विल बी अवेलेबल आफ्टर 10 AM ऑन 26 मार्च। तो आज 26 मार्च है, मैंने ये सुबह सवेरे किया हुआ था क्योंकि यहाँ पे सर्वर काफी डाउन रहता है दिन में, इसलिए मैंने सुबह सवेरे किया हुआ है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको भी मिलेगा, हो सकता है कि आपको यहाँ पे ये ना मिले, अगर आप 10 AM के बाद करते हैं तो डायरेक्टली आपका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, आप वहां से अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके भी बताऊंगी कि ये कैसा दिखता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में मैंने बता दिया कि यहाँ पे आप किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, सरकार को अपनी राय दे सकते हैं और स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं प्रधानमंत्री जी से। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे हर एक स्टूडेंट्स, हर एक टीचर्स और हर एक पेरेंट्स का फर्ज बन जाता है कि यहाँ पे आप अपनी राय दे, यहाँ पे आप पार्टिसिपेट करें और हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है उसे और भी बेहतर बनाने में सरकार का योगदान दे। तो बस दोस्तों यही तक थी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी नॉलेज वाली बातें पता चली हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए उन लोगों के लिए जिनको इसके बारे में नहीं पता है। और हाँ, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की अच्छी अच्छी और अपडेटेड वीडियोज आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।